Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, welcome to the new video with our new chapter जिसका नाम है Accounts of Companies. अभी तक के पुराने videos में आपने पूरा study किया होगा and I'm sure आपने किया होगा जो हमारा topic था Declaration and Payment of Dividend. उसी फ्लो में अब हम आगे बढ़ते हुए हमारे कोर्स को आगे बढ़ाते हुए हम हमारा दूसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वो स्टार्ट करेंगे. एज यूजुअल जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि हम कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले पूरे चैप्टर का एक फ्लो देता हूं, जिससे क्या होता है कि हमको पता रहता है कि हम कितना पढ़ने वाले हैं, हमको कितना समय लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड होके हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में कितने सेक्शंस हैं. ठीक है, तो आपने जैसे कि देखा आपको मेरी शीट में भी दिख रहा होगा, जो मेरा शीट है उसमें रहेगा बर्ड आई व्यू ऑफ द चैप्टर. बर्ड आई व्यू मतलब कि हम ऊपर से मतलब जैसे कि एक बर्ड की नजरों में पूरी जमीन दिखती है, उसी तरीके से हम एक तरीके से इसे इंडेक्स कह सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है और उस सेक्शन के अंदर क्या क्या टॉपिक है. ठीक है, तो डिविडेंड और उसके बाद में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इंटर लेवल पर, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि इंटर सीए लेवल पर कुछ टॉपिक्स हैं जो फाइनल से उठाकर इंटर में फेंक दिए गए हैं. कोई बात नहीं, हमने उनको ले लिया है क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि ये सभी टॉपिक कंसेप्चुअली समझना इंटर लेवल पर बहुत जरूरी था, जो पहले डायरेक्टली फाइनल लेवल पर आता था. ठीक है दोस्तों, तो उसमें तीन टॉपिक जो कॉर्पोरेट लॉ में ऐड किए गए थे, जिसमें पहला टॉपिक था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो हम समाप्त फिनिश अच्छे से कर चुके हैं. ठीक है, और आशा है कि आपने वो पढ़ भी लिया होगा और याद कर भी लिया होगा, गारंटेड आपके उसमें नंबर्स आने ही आने हैं. ठीक है, अब उसी फ्लो में दूसरा जो टॉपिक है जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस वीडियो में सिर्फ हम ये समझेंगे कि पूरे चैप्टर में सेक्शंस क्या है और उनके अंदर का डेटा क्या है, ताकि जब क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को कब आती है, जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनको ये स्ट्राइक नहीं होता कि ये सेक्शन कौन से चैप्टर में था, और जब तक आपको सेक्शन याद नहीं आएगा यू वोंट बी एबल टू राइट द आंसर कि उस सेक्शन में क्या था. राइट, चलिए अब चालू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए बर्ड आई व्यू ऑफ द चैप्टर. सेक्शन 123 टू सेक्शन 127 डिविडेंड में हम कर चुके हैं. 1 2 3 से शुरू किया था, गाना गाते हुए 1 2 3 1 2 3 हमने डिविडेंड खत्म कर दिया 127 पर. अब हम आ गए हैं कंटिन्यूएशन में सेक्शन 128 से लेके, देखिए मेरी शीट में सबसे पहला कॉलम सेक्शन 128 टू सबसे लास्ट में आपको दिखेगा सेक्शन 138, मतलब कि इंटरनल ऑडिट. ठीक है दोस्तों, तो देखिए अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आपको नाम दिख रहा होगा, और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज मतलब क्या, अकाउंट्स ऑफ कंपनी मतलब क्या कि जो भी कंपनी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारा भगवान इस केस में कौन है, कंपनीज एक्ट, मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में जितनी भी लाखों कंपनीज है वो सभी कंपनीज की एक ही छत है, वो है कंपनीज एक्ट, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा. मतलब कि कंपनीज एक्ट आपको बताएगा कि आपको कैसे अकाउंट्स बनाने हैं. बिल्कुल बराबर सोच रहे हैं आप, कंपनीज एक्ट जो भगवान है वो हमको बताएगा कि आपको देखिए ये अकाउंट्स है, ऐसी ऐसी बुक्स है, इस तरीके से आपको रखना अनिवार्य है. मतलब कि इट इज कंपल्सरी फॉर यू फॉर कंपनीज टू मेंटेन दीज मेनी अकाउंट्स एंड दीज मेनी बुक्स. ठीक है, ये चैप्टर इसी बारे में बात कर रहा है. देखिए सबसे पहला सेक्शन 128 जो हमको बता रहा है BOA यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, इनमें क्या क्या आता है वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल में, अभी हम सिर्फ इंडेक्स समझ रहे हैं. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 128 में क्या क्या टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है.
ठीक है, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उनको कैसे, उनका मैनर क्या है, उनको कैसे मेंटेन करना है। ओके, अगला क्वेश्चन होता है कि लोकेशन, लोकेशन मतलब कि वो बुक्स कहां पर रखी रहेगी, वो बुक्स कहां पर रखी रहेगी, वो हमको देखना पड़ेगा। क्या सभी जगह हम कहीं भी लिबरल होके अपनी बुक्स को रख सकते हैं, वो हम समझेंगे 128 में। तीसरा क्वेश्चन उठता है व्हाट हो गया, वेयर हो गया, फॉर व्हाट पीरियड, मतलब कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा और उनको रखना भी पड़ेगा। हम बाद में समझेंगे कि क्यों रखना पड़ेगा, किसके लिए रखना पड़ेगा, किसको ये डेटा कंपनी से चाहिए रहेगा। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि बुक्स हमको मेंटेन करना क्यों जरूरी है। खुद के लिए तो सही है ही सही, पर ऐसी बहुत सारी एंटिटीज है, गवर्नमेंट की एंटिटीज है जो हम पे कंट्रोल रखती है। ठीक है, सो तीन चीजें, व्हाट, वेयर एंड फॉर हाउ मच पीरियड हमको बुक्स मेंटेन करनी है। ओके, उसके बाद में ये जो बुक्स है उनको मेंटेन कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उन बुक्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो भी ये सेक्शन बताएगा 128 कि बुक्स को मेंटेन कौन करेगा। और जैसे कि आपको मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, एक्ट बना है क्यों, क्योंकि बहुत चीजें हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा, गवर्न कौन करेगा, तो एक्ट बनाया, लॉ बनाया। ठीक है, किसको फॉलो करना है वो तो एक्ट बताएगा ही सही, मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनीज कौन हो है। और अगर आप नहीं करोगे तो एक्ट फालतू में नहीं बना है, गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए पेनल्टी लगा रखी है, कॉन्ट्रवेंशन है, तो वो कॉन्ट्रवेंशन हम इस सेक्शन का 128 का समझेंगे कि क्या क्या गलतियां हो सकती है और अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं की तो फिर आपको क्या पेनल्टी लगेगी। सो दोस्तों, इतनी चीजें हमने सेक्शन 128 में देख ली, ये तो बहुत ही जनरल चीजें थी जो हमको क्वेश्चंस उठते हैं और हमको समझ में भी आता है कि यह सेक्शन क्यों बना है, किसको एप्लीकेबल है, नहीं होगा तो क्या होगा। पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिकली इस सेक्शन ने हमको समझाई है, वो क्या है कि क्या बुक्स को फिजिकली मेंटेन करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिकली भी आप कर सकते हैं, तो वो हम इसमें एक रूल 3 है उसमें समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा बुक्स को मेंटेन करना है पर प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है कि ये चीजें फुलफिल होगी तो मतलब बुक्स एकदम बरोबर है, एकदम बराबर है, ये हमको कैसे पता चलेगा वो भी हम इसमें बताएंगे। और आप बुक्स बना रहे हैं बराबर, तो बुक्स बना रहे हैं तो आप ही बनाएंगे और आप ही चेक करेंगे क्या, नहीं ना, मतलब कि जो आदमी बुक्स को बना रहा है, जो एंट्रीज कर रहा है और जो हमारा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, मेकर एंड चेकर शुड नॉट बी द सेम पर्सन। तो जो बना रहा है तो चेक करने वाला अलग इंसान होगा ना, पर यहाँ चेक का मतलब चेक वाला नहीं है, यहाँ चेक का मतलब है इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन जो है वो भी हम सेक्शन 128 में समझेंगे कि कौन कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, 129, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आपने बात करी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्म क्या होता है, क्या किस तरीके से उनको बनाना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए, वो भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेक्शन 129 में पता चलेगा। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है और उसके लिए पेनल्टी क्या है, बहुत इजी सी बात है। ठीक है, सेक्शन 129 हुआ। ठीक है, अब आगे चलता है, देखिए हमारी स्टोरी एकदम बराबर चल रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सीन में आते ही है, दो सेक्शन हो गए। उसके बाद में अब एक बार बुक्स बन गई, अकाउंट्स बन गए, तैयार हो गए। ठीक है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती है। ठीक है, और गलती हो गई तो क्या होगा, तो जो चीज बनी है उसको सुधारा जा सकता है ना, यही तो कुदरत का करिश्मा है, तो हम उनको रीओपन भी कर सकते हैं, मतलब हम बुक्स को रीओपन भी कर सकते हैं। तो रीओपन करने के लिए और उनको वापस से एक बार सही बनाने के लिए दो सेक्शंस हैं जो बाद में आए हैं और इंपॉर्टेंट है, अभी तक नए सेक्शन है, वो सेक्शन 130 एंड 131। ठीक है, ये दो सेक्शन और हो गए। अब और आगे चलते हैं, मेरी शीट में देखिए अगला पेयर क्या है, कुछ सेक्शंस एक साथ लिखे होंगे मैंने। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इनको फॉलो करने वाला कौन है, हमारा भगवान जो है वो कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट बोलता है स्टेटमेंट्स को ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, वो सेक्शन 133 मतलब 133 हमको बताएगा।
बात हमारी पूरी कहानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको रीओपन करना यहां तक नहीं है। कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम के भी लोग होते हैं जिनका पूरा पूरा मेन इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में, तो उनकी बोर्ड रिपोर्ट भी बनती होगी, बोर्ड रिपोर्ट भी बनती होगी जो सेक्शन 134 बोल रहा है कि 134 में तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा। अच्छा, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, तो उसका एक स्टेटमेंट बनता है डीआरएस, ठीक है। तो वो डीआरएस जो है उसका कंटेंट क्या रहेगा वो भी हमको वो कौन बताएगा, सेक्शन 134। और उसके अलावा सेक्शन 134 में जो कंटेंट है बोर्ड रिपोर्ट का और डायरेक्टर रिपोर्ट का, उन दोनों के अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा, वो सब कवर होंगे इसी सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें कवर हो रही है 134 में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बने हैं, ऑथराइज कौन करेगा, कोई तो ऑथराइज करने वाला होगा ना भाई, कि मेरी जिम्मेदारी है, अब मैंने आपने जो बनाया है मैंने उनको देख लिया है, तो वो ऑथराइजेशन कौन करेगा। उसके अलावा ऑथराइजेशन के अलावा सिग्नेटरी पावर्स किस किस के पास में है, कौन कौन साइन करेगा, करेगा नहीं पावर्स किसके पास में, ये नहीं सिर्फ किन किन को साइन करना पड़ेगा वो हमें बताता है सेक्शन 134, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए 128 से लेकर 134 तक, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है, आपको चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर का एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा 131, तो आप याद करेंगे ओहो 131 मतलब हमने चालू किया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसके अलावा रीओपन भी कर सकते हैं हम, तो 131 उसी बंच का एक सेक्शन है, ऐसे आपको कलेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गई, रख लिया, ऑथराइज करवा लिया, सिग्नेचर हो गया, बोर्ड रिपोर्ट बना दिया, ठीक है, रीओपन करवा के हमने सही भी कर दिया अगर जरूरत पड़ी तो। अब देना तो पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद के लिए बनाए जाते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्कुलेट भी करना पड़ेगा, किन किन को करना पड़ेगा वो बताएगा आगे का सेक्शन 136। पहले मैंने 136 रखा है फ्लो में क्योंकि हमारे समझने में इजी पड़ रहा है। और सर्कुलेट करने के बाद में उनको फाइल करना पड़ेगा, तो फाइल किसको करना पड़ता है, आरओसी को करना पड़ता है, तो कैसे करना पड़ता है, क्या क्या रूल्स है, वो सेक्शन 137 में आती है बात, ठीक है। 136 137 हो गया। अब 136 137 के बाद में कंपनीज इतना कमा रही है, तो कुछ ना कुछ सीएसआर का नाम सुना होगा आपने, सीएसआर एक्टिविटीज होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नाम है बराबर। तो वो सीएसआर सेक्शन कौन सा है जो गवर्न करता है, वो है सेक्शन 135। तो इतना बुक्स बनाने के बाद में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद में, उनको थोड़ा सा दान पुण्य भी करिए ना, तो सीएसआर, ठीक है, तो वो सेक्शन 135 है। और लास्ट में ऑडिट की बात आती है भैया, सब काम कर रहे हो, खुद ही बुक्स बना रहे हो, खुद ही डायरेक्टर साइन कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हो आप, ठीक है। तो ऑडिट का जो दो तरीके का होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। तो इंटरनल ऑडिट जो सेक्शन है जो गवर्न करता है वो कौन सा है, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज सेक्शन 138, ठीक है। भाइयों बहनों जो भी सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने सब चीजें कवर कर ली है, इसलिए इसका नाम बर्ड आई व्यू दिया है हमने। ऊपर से हम देखेंगे चैप्टर इतना सा है, सिर्फ इतना सा चैप्टर है जो हम कुछ वीडियोस में कवर करने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक सेक्शन याद रहेगा। एक बार क्विकली मैं आपको वापस बताता हूं, कहानी ऐसे याद रखिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, उन दोनों को रीओपन करने की जरूरत पड़ी तो रीओपन भी करवाया जाएगा और सही करवाया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उसको बनाता कौन है, सीजी, ठीक है। और ये सब होता है क्या है, बोर्ड रिपोर्ट के साथ में जाना चाहिए। बोर्ड रिपोर्ट में क्या कंटेंट होता है, डीआरएस क्या होता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होता है, कौन साइन करेगा, कौन ऑथराइज करेगा, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आ रही है, सेक्शन 134 जो कि है हमारा बोर्ड रिपोर्ट का। भैया बुक्स बनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, सर्कुलेट कीजिए सेक्शन 136, ठीक है, फाइल करिए तो सेक्शन 137, दान पुण्य करिए सीएसआर सेक्शन 135, और लास्ट में इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो 128 और 129 ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, कि 128 पूरा डिटेल्ड में उसमें क्या क्या चीजें हैं, 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है।
ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली जो सब सेक्शंस हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वो सेक्शन 128 में हम पढ़ेंगे। अब एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ये वीडियो एंड हो रहा है, कि ये जो बर्ड आई वीडियो है मेरा, बर्ड आई व्यू कंटेंट जो है, और हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो एक इंडेक्स बनाता हूं मैं, आप प्लीज उसको ध्यान इसलिए रखिए, एक तो आप मेरे फ्लो में कनेक्टेड रहेंगे कि इसके बाद कौन सा टॉपिक आने वाला है, और ये प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मेरा विश्वास करिए, जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमको ये याद नहीं आता है कि ये सेक्शन कौन से चैप्टर में था, और जैसे अगर हमको ये याद आ गया कि उसके आगे पीछे जो सेक्शंस थे वो क्या थे, तो आपको क्लिक होता है और आपकी विजुअल मेमोरी हिट होती है कि बिल्कुल सर की पीपीटी में वो एकदम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ये सेक्शन था और उसका ये कलर था। ठीक है, मेरा यही एफर्ट है। अभी ये इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, जिसमें हमने देखा है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर का पूरा ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 128 सेक्शन डिटेल्ड में क्या क्या है और एक्ट उसके बारे में क्या करता है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल ई कीड़ा को, और इसी तरीके से जो पूरे पूरे कोर्सेज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, आप उनको पढ़िए और समझिए और देखते रहिए। थैंक यू।